हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हर्बल हेयर कंडीशनर का डिटेल रिव्यू। इस रिव्यू के साथ मैं आपको कंडीशनर से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगी जो शायद आपको अभी तक पता नहीं होगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं हर्बल कंडीशनर क्या होते हैं, इनके यूज़ करने का सही तरीका क्या है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कंडीशनर से रिलेटेड जो भी मिथ या कन्फ्यूजन है आपके माइंड में वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइज, ये है मोहा का हर्बल हेयर कंडीशनर और ये हेयर कंडीशनर आता है एक येलो कलर की प्लास्टिक ट्यूब पैकेजिंग में। ये ट्यूब आपको दो साइजेस में मिलता है, एक 100 ml एंड एक 200 ml। मेरे पास 200 ml वाला ट्यूब है और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है, इसलिए ये ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। बाकी इसकी ओवरऑल पैकेजिंग काफ़ी डिसेंट है। इस कंडीशनर का टेक्सचर काफ़ी स्मूथ है एंड इसकी कंसिस्टेंसी थिक वाइट क्रीम की तरह है। ये हेयर में इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसमें माइल्ड फ्रेग्रेंस भी है मगर इससे कोई इरिटेशन नहीं होती है स्कैल्प पे। ये एक हर्बल कंडीशनर है जिसका मतलब है कि ये पैराबिन एंड सल्फेट फ्री होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई केमिकल्स या टॉक्सिन्स का यूज़ नहीं किया गया है। शैम्पू एंड कंडीशनर्स पैराबिन एंड सल्फेट फ्री ही यूज़ करने चाहिए क्योंकि हार्मफुल केमिकल्स के होने की वजह से हमारी स्कैल्प एंड रूट्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इस कंडीशनर में एलोवेरा है। एलोवेरा अल्कलाइन नेचर का होता है और हमारे बालों के पीएच को बैलेंस करता है। बालों का पीएच सही रहना बहुत ज़रूरी है, ना तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होने चाहिए ना वो बहुत ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। अगर बालों का पीएच डिस्टर्ब होता है तो बाल बहुत ज़्यादा या तो ऑयली हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। एलोवेरा न्यू हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसमें आलमंड ऑयल, जोजोबा ऑयल एंड वीट जर्म ऑयल भी है जिससे बाल मॉइस्चराइज्ड एंड सॉफ्ट रहते हैं। ये सारे ही इन्ग्रीडियंट्स नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं। कंडीशनर यूज़ करने के बाद जो बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं वो ये हैं कि आपको अपने हेयर पहले से ज़्यादा सॉफ्ट, सपल एंड स्मूथ दिखाई देंगे। आपके बाल बिल्कुल उलझेंगे नहीं और डिटेंगल ईजिली हो जाएंगे। हेयर मॉइस्चराइज रहेंगे जिससे आपकी बालों की हेल्थ मेंटेन रहती है। ये कंडीशनर काफ़ी अफोर्डेबल है। इसकी 100 ml की क्वांटिटी आपको 175 rupees में मिल जाती है, इसलिए आप इसे इजीली ट्राई करके देख सकते हैं। ये कंडीशनर ड्राई हेयर के लिए सूटेबल है, इसलिए अगर आपके हेयर ड्राई एंड फ्रिजी रहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इजीली अवेलेबल है। कंडीशनर का यूज़ करना काफ़ी ईजी है। हेयर केयर में कंडीशनर का यूज़ सेकेंड स्टेप में किया जाता है। इसे आप शैम्पू करने के बाद गीले बालों में अप्लाई करते हैं और लगाने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट के लिए इसे छोड़ना ज़रूरी होता है जिससे आपके बालों पे इसका पूरा इफ़ेक्ट शो हो पाए। आपके प्रोडक्ट के पीछे भी आपको हाउ टू यूज़ वाले सेक्शन में टाइम ड्यूरेशन दिया होता है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। 5 मिनट बाद आप नॉर्मल टैप वाटर से इसे अपने बालों से कम्प्लीटली रिमूव कर लें और इसके बाद आपको शैम्पू लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जानते हैं जिन्हें हमें ज़रूर कंसीडर करना चाहिए कंडीशनर यूज़ करने से पहले। कंडीशनर हमेशा बालों की मिड लेंथ से लेकर एंड तक ही लगाना चाहिए। इसे रूट्स या स्कैल्प पे नहीं लगाना चाहिए वरना आपकी स्कैल्प ऑयली एंड ग्रीजी हो जाएगी। अगर आपको कंडीशनर के मैक्सिमम बेनिफिट्स चाहिए तो आप इसे कम से कम 5 मिनट के लिए अपने बालों पर ज़रूर रखें, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही मिस्टेक करते हैं जिससे उन्हें कंडीशनर के मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको कंडीशनर लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वरना आपके बाल ऑयली एंड ग्रीजी हो जाते हैं। अगर आपने कलर ट्रीटमेंट लिया है या आपके बाल ड्राई एंड फ्रीजी रहते हैं और आप हेयर स्टाइलिंग करते हैं तो आपको कंडीशनिंग ज़रूर करनी चाहिए, इससे आपके बालों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। जैसे क्लींजिंग के बाद मॉइस्चराइज़र इम्पॉर्टेंट होता है फेस को मॉइस्चराइज रखने के लिए, वैसे ही शैम्पू के बाद कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कंडीशनिंग से हमारे हेयर मॉइस्चराइज रहते हैं, उनमें पानी का लेवल मेंटेन रहता है।
तो ये था मोहा हर्बल हेयर कंडीशनर का डिटेल रिव्यू। अब इस वीडियो को रैप अप करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्यूटीफुल।